Hey guys, it's Shweepan and welcome to the guide number 35 of the price action series, which is the market structure break. Price action में ये बहुत एक important, आप लोगों ने hopefully जो है terminology सुनी होगी, कुछ इसको break of structure कहते हैं, कुछ इसको MSBs कहते हैं, और simple कुछ लोग जो इसको कहते हैं कि structure जो है market का वो downtrend से uptrend में बदल गया या uptrend से downtrend में बदल गया. तो आज जो है basically हम इसमें ये देखेंगे कि structure जब change होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं, एंड हाउ वी डिफ्रेंशिएट के क्या वो फेक आउट्स हैं, क्या वो उसमें क्या मामला क्या रियल हैं आगे चलते हुए. तो इसकी बेसिक्स के हवाले से लेट्स हैव अ डिस्कशन के हम जब मार्केट के फेजेस की बात करते हैं, सो लेट्स गेट डिसाइडेड के सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि मार्केट में तीन फेजेस होते हैं, सबको पता है. एक फेज़ जो कि अप ट्रेंड कहलाता है, बुलिश मोमेंटम. दूसरा फेज़ जो कि डाउन ट्रेंड का होता है, जिसको हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं. और तीसरा होता है कंसोलिडेशन, जो कि जब मार्केट आपकी साइडवेज चल रही होती है. लाइकवाइज जैसे आजकल नवंबर अक्टूबर में हम देखते हुए आए बेयर मार्केट में कि मार्केट जो है ज़्यादातर साइडवेज रही है, कंसोलिडेशन फेज में रही है. तो हायर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ब्रेक नहीं हुए जितने के लोअर टाइम फ्रेम में हुए हैं. ठीक है जी, तो जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होती है तो वो हाईज एंड लोज बनाती हुई जाती है, जिसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं हायर हाईज में या लोअर लोज में. आई एम गोना एक्सप्लेन इट ऑन द चार्ट के ये क्या चीज़ें होती हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक में हमने ये देखना होता है MSB में कि क्या हमें कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, या वो फेक आउट है, या वाकई में वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है. तो हमें उसमें कुछ एक रिटेल माइंडसेट होता है, विच आई एम गोना टेल यू कि लोग उसमें ज़्यादातर क्या समझते हैं. सो हमें उसको टच करना पड़ता है उसमें, राइट. एंड हमको प्राइस एक्शन में जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज़ आपको बताई थी कि आई एम गोना मेक यू थिंक लाइक अ मार्केट मेकर एंड हाउ द इन्वेस्टर थिंक्स इन दिस मार्केट, एंड यू डोंट हैव टू लुक एट द मार्केट अगेन लाइक अ रिटेलर एनीमोर. सो आपको अपना थोड़ा सा माइंड सेट इसमें डेवलप करना पड़ेगा कि हमें मार्केट को देखना किस तरीके से, एंड हाउ इट कैन वर्क्स, राइट. सो आई एम गोना शेयर माई चार्ट हेयर क्विकली. एंड ये एक जो चार्ट है ये मैंने स्पेसिफिकली जो है निकाला है, क्योंकि इसमें हमें जो है वॉल्यूम एक अच्छा सा उसमें दिख जाता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. इट इज़ बेसिकली USD एंड कैनेडियन डॉलर चार्ट, एंड ये 4 आवर का चार्ट मैंने खोला हुआ है. तो मैं पहले आपको ग्राफिकल एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता क्या है. फॉर सपोज आपकी मार्केट बुलिश ट्रेंड में चलती भी जा रही है, ठीक है, या आपकी मार्केट जा रही है, देन जब वो नीचे की तरफ आती है तो आपको ये नहीं पता कि ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कब हुआ है, एंड हाउ इट्स विल गोना गो डाउन इन द हायर टाइम फ्रेम. जब हम MSB को देखते हैं तो प्लीज़ आप कभी भी इसको जो है आवर्ली चार्ट से नीचे की तरफ मत देखिएगा, क्योंकि ये आपको नॉइस क्रिएट करके दे देगी. सो 1 आवर, 4 आवर, 8 आवर, 1 डे एंड सो ऑन, दैट्स हाउ वी लुक एट इट. तो जब मार्केट हायर हाईज बनाती हुई जाती है, जब एक हाई दूसरे से हाई होता है, ठीक है, उसके बाद जब वो स्ट्रक्चर चेंज करती है, एक लो जो है प्रीवियस लो से नीचे की तरफ बनाती है, ठीक है जी, एंड देन इट गोज़ अप एंड देन गोज डाउन. तो इस लो पे जब वो टेस्ट करती है तो दिस इज़ नोन एज द MSB. ये आपका इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है. इसमें आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, आई एम गोना टीच यू दैट, एंड इट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड कि हमें इसको किस तरीके से कैच करना चाहिए. व्हेन यू लुक एट द मार्केट इज रियली इजी टू जज कि MSB आपका कहाँ पे हो रहा है. यू जस्ट पॉइंट सम लाइंस आप जो इस पर प्लॉट करते हुए जाते हैं, तो इट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड. अगेन मार्केट बुलिश ट्रेंड में हायर हाई बनाती हुई जा रही है, राइट, एंड देन उसके बाद वो ड्रॉप करती है, तो उसका जो लो बनता है, सक्सीडिंग लो जो होता है, वो प्रीवियस लो से नीचे की तरफ होता है, ठीक है, एंड देन वो वापस उसको टेस्ट करती है, देन वापस नीचे की तरफ आना शुरू होती है. तो दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज द मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक. द मार्केट इज बीन इज ब्रोकन टूवर्ड्स द बेरिश स्ट्रक्चर फ्रॉम द बुलिश वन, राइट. तो चले इसको लाइव एग्जाम्पल पे देख लेते हैं. लेट्स सी, हम ये USD कैनेडियन डॉलर का जो है मतलब ये के चार्ट है, एंड वी गोना हैव अ लुक एट इट के इस पर क्या सिचुएशन चलती हुई जा रही है. सो हम फेजेस की जहाँ पे बात कर रहे थे, तो फेजेस सिंपल समझने के लिए, ये मार्केट का अप डाउन ट्रेंड है, राइट, ये मार्केट का कंसोलिडेशन फेज है, ये मार्केट का लो टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है,
ठीक है, तीन ही फेज होते हैं, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड देन अप ट्रेंड। ठीक है जी, अब लेट्स हैव अ लुक ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। चलें ये एक एग्जांपल हम देख लेते हैं फ्रॉम द जुलाई, ये यूएसडी कैनेडियन डॉलर की आपकी के मार्केट आपका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली बेरिश स्ट्रक्चर था। मार्केट वॉज मेकिंग दैट वॉज योर अटमोस्ट हाई इन दिस चार्ट। उसके बाद मार्केट लोअर हाई बना रही है, लोअर हाई, लोअर हाई एंड देन उसके बाद मार्केट एक हायर हाई बनाती है। ठीक है, इस हाई से हायर हाई की तरफ हम जब देखते हैं तो हमने करना क्या है, बेसिकली हमने इसको मार्क कर लेना आगे की तरफ। आई एम गोना रिमूव एवरीथिंग हियर राइट एंड मैं इसको इस स्ट्रक्चर को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ अब रिटेल माइंडसेट वो क्या समझता है कि यहाँ पे जो है आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब इस यहाँ से लॉन्ग कर दो, कि मार्केट जो है इस प्रीवियस हायर हाई से ऊपर की तरफ जा चुकी है, नाउ लॉन्ग इट अगेन। एक्चुअली यहीं पे कैच है, यहीं पे आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं। तो आपने इसमें देखना क्या होता है कि आप पहले पेशेंटली वॉच करते हैं कि ठीक है मुझे पहली इंडिकेशन यहाँ मिल चुकी है 5 अगस्त शाम 6 बजे कि मार्केट ने हायर हाई बनाया, नाउ इट्स गोइंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर चेंज। तो शायद कंसोलिडेशन फेज आए, थोड़ी वॉलीटिलिटी आए, क्या सिचुएशन आए एंड देन मार्केट यहाँ से चढ़ना शुरू कर देती है। तो इट्स नॉट अबाउट कैचिंग द बॉटम हेयर, इट्स अबाउट गेटिंग द ऑप्टिमम एंट्री, कि आपको एंट्री वहाँ पे क्या मिलनी चाहिए एक्सट्रीमली बुलिश स्ट्रक्चर की तरफ। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम फिबोनाची का 0 and 1 का जो दूसरा इस्तेमाल होता है वो ये करते हैं कि आपने ये देखना है कि ये हायर हाई बना, यू मार्केट अगेन। ठीक है, आपने आगे की तरफ इसको मार्क कर दिया 5 अगस्त को। आपने अब दोबारा ये देखना है कि जब आपकी मार्केट आगे चलती हुई जा रही है कहीं से भी जाए, आपने वेट करना है अनटिल ये इसको दोबारा टैप करे। नाउ वेट फॉर स्टेबलाइजेशन, कि ये वापस नीचे की तरफ जब आना शुरू होगी एंड देन एज सून एज इसको दोबारा वो नीचे टैप करती है तो यहाँ पर आपने अपना फिबोनाची को डेवलप करना है। फिबोनाची कैसे डेवलप होगा, सिंपल लो एंड ये वाला हाई। ठीक है, ये वाला जो आपका हाई आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाई, ये जो इस ब्रीच करने के बाद इसने हाई पकड़ा है। नाउ एंट्री जो आपकी होगी फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए वो आपकी होगी 0.5 पे एंड नाउ सी द मैजिक, परफेक्ट डॉलर वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री ली एंड देन अगर आपने एंट्री यहाँ से ली होती इस जगह से तो ये आपका स्टॉप लॉस हंट कर चुका होता, क्योंकि आप यूजुअली स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं कि आपका हाई पॉइंट लास्ट जो हायर हाई था आपका वो ये था या कंसोलिडेशन फेज में जो हाई था आपका एंड देन आप इस यहीं से एंट्री लेके आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं वो आपका हंट हो जाता। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिटेलर माइंडसेट जहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो जाती है। एंड नाउ इफ यू लुक एट द हायर टाइम फ्रेम, जस्ट सी हाउ अमेजिंगली इट वर्क्ड, जस्ट लुक एट द बुलिश स्ट्रक्चर अगेन राइट। तो अगेन इसको एक रिविजन कर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे। मार्केट आपकी जो है लोज, एक हाई बनाया उसने, दूसरा हाई, सॉरी लोअर, एक हाई था इसका, उसके बाद दूसरा लोअर हाई था, तीसरा लोअर हाई साइडवेज, ये हाई जो है इससे ऊपर नहीं बना, देन एक कंसोलिडेशन में वो हायर हाई बनाती है। यहाँ पे आपने इसको हायर हाई को मार्क किया अपना राइट एंड देन यू पेशेंटली वेट इट अनटिल ये दोबारा से जाके टेस्ट हो। यहाँ पे आपकी जो है एक्टिवेशन हो गई है कि ओके समथिंग्स हैपनिंग नाउ लेट्स वेट फॉर इट। तो मार्केट साइडवेज आती है, वापस जब इसको टेस्ट करेगी तो आप अपना फिबोनाची डेवलप करेंगे फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई एंड देन योर एंट्री इज फ्रॉम 0.5। सो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को एंट्रीज लेने के लिए हम दूसरी कॉन्फ्लुएंसेस को भी यूज़ करते हैं, बट दिस इज समथिंग रॉ फ्रॉम टॉप ऑफ माई माइंड। जब मैं मार्केट को इस तरीके से देखता हुआ जा रहा होता हूँ तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं कि क्या है, तो आपने हमेशा इन तीनों फेजेस को एक साथ रखना है, कभी भी इसको स्प्लिट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कभी भी स्प्लिट ऑफ नहीं कीजिएगा कि नहीं मार्केट एकदम से लोअर लो बनाती हुई आ रही थी और एकदम से उसने यू करना चली गई, उसने जो है कंसोलिडेशन फेज अगर स्किप कर दिया तो यहाँ पे आपको मसला हो जाएगा एंड यू विल नेवर कैच द एंट्री। एंट्री आपकी बेसिकली मिस हो जाएगी ज़्यादा में ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑप्टिमम एंट्री के लिए तीनों फेज ज़रूरी हैं, या तो बुलिश चल रहा हो कंसोलिडेशन हो फिर बेयरिश हो, या बेयरिश चल रहा हो कंसोलिडेशन हो फिर बुलिश हो, ये दोनों तीनों जो हैं फेजेज एक साथ होने चाहिए इसके, वरना यू विल बी मिसिंग द एंट्रीज और ये कॉन्सेप्ट आपका उस दूसरी तरफ से ले आएगा।
जब इमीडिएटली चेंजेस होती हैं तो उसकी दूसरी वजूहत होती हैं, तो वो प्राइस एक्शन में जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे सिखाऊंगा कि व्हाट्स दैट एंड हाउ वी लुक एट दैट। यूजुअली अगर मेरे नज़र में कोई फेज़ ऐसा आता है, फॉर सपोज ये दूसरी एग्जांपल हम क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं, मार्केट ने एक हाई बनाया इस टॉप का, उसके बाद लोअर हाई एंड देन ऑल द वे डाउन गई, एंड देन इसने यहाँ पे अचानक से इस कॉन्सोलिडेशन फेज का जो है हायर हाई बनाया। ये नीचे वाले हाईज हैं, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो वट वी गोना डू, हम इसको मार्क कर देंगे सिंपल, ठीक है, देन वी विल गोना पेशेंटली वेट कि मार्केट साइडवेज चलती भी जाए, जो भी होगी कंसोलिडेशन। यहाँ पे इसने इसको टैप किया, हम इसको एक्टिवेट हम हो जाएंगे कि ठीक है भाई वी विल बी रेडी फॉर दैट, एंड देन ऊपर की तरफ जाती है, वी विल गोना बी सीइंग इट कि जब इसको दोबारा इसने रिटेस्ट करना है तो वी विल गोना डेवलप अवर फिबोनाची हियर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या ये वाला टॉप ले लें, ये वाला टॉप या ये वाला टॉप ले लें, दोनों मैटर में सही है, लेकिन आपने एंट्री में जल्दबाजी नहीं करनी। इफ़ यू आर पोजिंग फ्रॉम दिस टॉप तो ये जस्ट चेक इट आउट 0.5 एंड देन बूम, और अगर ये ऊपर वाला इसका टॉप ले रहे हैं तो ये वाला भी टॉप देख लें एंड इट्स गोना बी डॉलर वैल्यू बाउंस, एंड देन आपने ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो एस एल जब आप इस पे देख रहे होते हो तो इसमें जो है फिर हम फिप एक्सटेंशंस की तरफ चले जाते हैं कि जो आपका पहला टारगेट होता है इसमें 0.5 के बाद वो होता है जीरो का। सो हायर द टाइम फ्रेम हायर वुड बी योर यू नो एक तरीके से आपका जो प्रॉफिट रेशियो होता है इसमें 1% है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी यहाँ पे जो है फॉरेक्स की, उसमें इट्स अ ह्यूज वन। जब अगर आप इस पे अपनी लॉट साइज़ को जब आप इंक्रीज़ करते हुए जाते हैं, टेक्निकली इसमें 2 आर का सेटअप चलता है अगर मैं सोलली इस पे देखता हूँ, लेकिन यूजुअली मैं इस पे कॉन्फ्लुएंसेस अपने दूसरी ऐड करता हूँ। सो आप जो अपना एस एल इस पे लगाएंगे वो आप एस एल लगाएंगे अराउंड हेयर फ्रॉम दिस प्रीवियस बॉटम, राइट, इससे थोड़ा सा आप नीचे अपना एस एल रखेंगे। सो अगर मार्केट अगर प्ले आउट करिए तो वो आपका एक्सट्रीमली जो है एस एल हंट इसमें ना करें, लेकिन लाइक एज ऑलवेज सेड क्रिप्टो अफेयर्स में मेंटोरिंग लॉन्च में मैं हमेशा ये कहता हूँ, मार्केट जब भी आपको रीटैप आके करती है वो आपको हमेशा एक ना एक टाइम देगी प्रॉफिट में मूव होने का, तो उस टाइम पे अपना एसएल मूव करें और अपनी एंट्री दोबारा बेशक वहीं लगा लें जहाँ आपने आपने लगाई थी, तो आप इस तरीके से आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा और आपकी एंट्री भी रिवैलिड हो जाएगी, राइट, और रिस्क आपका मैनेज रहेगा। तो इन मूव्स में जो होता है अगर हम फॉरेक्स में या इसमें देख रहे होते हैं तो इस मूव्स में हम ये भी देखते हैं कि हम इसमें पैरामीडिंग आगे कर सकते हैं। पैरामीडिंग क्या होती है कि मैं एक तो डीसी आप कॉन्सेप्ट सुना है कि नीचे लॉस में जा रही है तो उसको आप बाय करते रहो, पैरामीडिंग में बेसिकली क्या होता है कि मार्केट में जो मूव है वो प्रॉफिट में आपकी जा रही है एंड अनटिल इट्स ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर यू आर कीप एडिंग दैट मार्जिन इन दैट, तो यहाँ से आपकी एंट्री जो है थोड़ी ऊपर जा रही होती है लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपका अच्छा हो रहा होता है, राइट। सो इस पे जाके प्रैक्टिस करें, इफ़ देयर इज एनी क्वेरी आस्क मी ऑन द डिस्कॉर्ड या मुझसे जो है अपना यूट्यूब कमेंट्स में पूछ लें इसके हवाले से। इसमें सिर्फ मैंने आपको एंट्री की ऑप्टिमम एंट्री की एक चीज़ बताई है, सोनली इसको बैक टेस्ट करें क्रिप्टो पे भी और फॉरेक्स पे भी या कमोडिटीज़ पे जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हैं, और दूसरी कॉन्फ्लुएंस जो मैंने पहले सिखाई है FRVP और आपकी जो है फिबोनाची की दूसरी, और अभी आने वाली इस पे जो है हम उसको देखेंगे कॉन्फ्लुएंसेस हाउ दे एड अप एंड गिव यू द डॉलर परफेक्ट वैल्यूज एंड सी हाउ द मैजिक हैपेंस। सो दिस इज़ मी शुएब खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस गाइड एंड लाइक आई ऑलवेज सेड डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू। थैंक यू सो मच।